नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है और शिमला को 8 सेक्टरों में बांटा गया, जिसमें 5 मंत्रियों के साथ विधायकों की तैनाती वार्डों में है। सभी वार्डों में मंत्रियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया गया, जबकि 7 विधायकों को सह प्रभारी नियुक्त किया गया, जो कि डैमेज कंट्रोल करने के साथ ही चुनाव प्रचार भी देखेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र बुशहरी का कहना है कि पिछले दिन नामांकन का आखिरी दिन था और 21 अप्रैल को नामांकन वापस ले सकते हैं। 21 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री व कांग्रेस के कई बड़े नेता प्रचार के लिए जाएंगे। देखिए, एक दो दिन में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि घोषणा पत्र तो आता ही विड्रॉल जब होता है उसके बाद ही जारी होता है किसी भी पार्टी का हो, तो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं हुआ। जहाँ तक विधानसभा के चुनाव के दौरान हमने गारंटियाँ दी और उन गारंटियों में मुख्य रूप से जो OPS का मामला था वो तो सरकार ने उसको तो जो है वो अमलीजामा पहना दिया और वो तो शुरू हो गया। और दूसरा जो हम 1500 रुपये की बात का वायदा हमने गारंटी में किया था महिलाओं को, उसमें आपने देखा होगा पिछले दिनों जो बजट प्रदेश विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया, उसमें 2,31,000 महिलाओं को जो हमने गारंटी पहले प्रथम चरण में देने का जो वायदा किया है 1500 रुपये देने का, वो भी हमने जो है बजट में उसका प्रोविजन रखा है। और इसके बाद जून के बाद जो अगली फाइनेंशियल ईयर होगी उसके बाद, क्योंकि काजा में जो प्रदेश का जो राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस मनाया, और मैं तो हम तो मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं कि ट्राइबल क्षेत्र से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि ट्राइबल जो क्षेत्र है वो बर्फबारी के कारण 6 महीने बंद रहता है। तो वहाँ की महिलाओं को जो एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जून के बाद 1500 रुपया जो है वो ट्राइबल क्षेत्र की प्रत्येक महिलाओं को जो है मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये स्वागत योग्य जो है ये मैं समझता हूँ सरकार का कदम है। और उसी दृष्टि से जो शिमला नगर निगम के चुनाव की गारंटी की बात है, हमने तय किया था कि भाई इसमें भी अगर हम गारंटी दें तो अभी वो अभी तक तय नहीं हुआ, अगर 1-2 दिन में तय होगा तो वो भी हम जारी कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। देखिए, प्रचार तो मैं समझता हूँ पिछले 2-3 दिन से चल रहा है हर वार्ड के अंदर, और पिछले दिन जो है वो नामांकन पत्र का आखिरी दिन था और आज स्क्रूटनी होनी है और 21 को विड्रॉल होना है। और आफ्टर विड्रॉल जो हमारे MLAs और मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर और PCC प्रेसिडेंट हैं, वो जो है हर वार्ड में इलेक्शन प्रचार के लिए जाएंगे। और हमने इसको 8 सेक्टर में 34 वार्ड को बांटा है और हर सेक्टर का जो इंचार्ज है उसमें हमने 5 मंत्रियों की ड्यूटियाँ उसमें लगाई है, और जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं 2 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको भी हमने सेक्टर का इंचार्ज बनाया है, और MLAs भी हमने सेक्टर में जो है 4-4, 3-3 MLA उनके साथ लगा दी हैं, और पिछले दिनों जो है वो नोटिफाई हो गई है। और अब जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो वरिष्ठ ऑफिस बीरर्स हैं, आज हम उनकी सूची भी उनको आज व कल में जो है जारी करेंगे, और वो भी अपना काम जो 22 तारीख से जो है वो संभालेंगे अपने वार्ड के अंदर और प्रचार शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ चुनाव की दृष्टि से, पहली बार ये 1986 के बाद देखने को मिला कि जो सरकार अभी 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में बनी और सरकार के रहते हुए जो है वो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, और इससे पहले अधिकतम समय जो है चुनाव हमेशा जो है जब विधानसभा के चुनाव के लिए शेष 4 या 5 महीने रहते थे तभी जो है नगर निगम का चुनाव होता था। तो उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि सरकार के एक मैसेज जो प्रदेश में जो है लोगों ने सरकार कांग्रेस की बनाई, उस दृष्टि से हम शिमला शिमला का जो नगर निगम का चुनाव है वो 2/3 बहुमत से जो है हम इस चुनाव को जीतने वाले हैं, क्योंकि सरकार के साथ अधिकतर समय हमने ये देखा है कि लोग जो है हमेशा जो है सरकार के साथ चलते हैं, और सरकार प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की नगर निगम 2-4 मई को जो है वो शिमला की बनने वाली है।